हाय दोस्तों, मेरा नाम है तान्या एंड मैं हूँ हिमाचल के एक छोटे से गांव सेथन में। यहाँ से नजदीक सबसे बड़ा शहर है मनाली एंड सेथन प्राइमरीली दो अट्रैक्शंस की वजह से काफी पॉपुलर होने लग गया है। वन ऑफ देम इज जियोडेसिक डोम्स एंड अनदर इज इग्लू स्टे। मुझे इग्लू स्टे का कॉन्सेप्ट काफी कूल लगा एंड मैंने सोचा दिस इज प्रोबेबली माय फर्स्ट चांस टू स्पेंड 24 फुल आवर्स इन स्नो, क्योंकि यहाँ पे इग्लू के अंदर का बेड तक स्नो से बना हुआ है। तो आज अगर हम लोग ये चैलेंज लें तो कैसा रहेगा? इग्लू स्टे इन मनाली, टेक्निकली इट्स इन सेथन, इन दिस वेरी वेरी सेक्लूडेड स्पॉट जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते। हमने एक छोटा सा हाइक किया नीचे आने के लिए एंड ये जगह पूरी बर्फ से सराउंडेड है। ऑल्सो इट्स सो ब्यूटिफुल एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इग्लू प्रॉपर्टीज ओवर हियर, क्योंकि आप यहाँ पे हाइक करके जब नीचे आएंगे यू सडनली रियलाइज दैट इट्स लाइक योर ओन लिटिल छोटा सा यू नो इनक्लोज सा स्पॉट जहाँ पे आप पूरे बर्फ के और इग्लू के मज़े ले सकते हैं। And also you get to experience an igloo stay. क्योंकि igloos क्या होते हैं ना, they're supposed to be more insulating from the weather. अगर बाहर ठंड है तो अंदर हवा नहीं आएगी और आपको generally थोड़ा सा warm feel होगा. We slept in sleeping bags over here last night. It's been a very beautiful experience living in a place like this. But अब हम लोग इस जगह के थोड़े और मज़े लेने वाले हैं. Let me take you guys and show you how it's done. तो ये इग्लू अंदर से काफ़ी बड़े हैं, इवन दो बाहर से छोटे लगते हैं। यहाँ के बेड्स भी बर्फ़ से बने हैं एंड बर्फ के ऊपर एक मोटा वुलन कारपेट है एंड उसके ऊपर स्लीपिंग बैग्स। रात काटने के लिए एक हॉट वाटर बॉटल एंड स्लीपिंग बैग की एक एक्स्ट्रा लेयर भी दी जाती है। I'm going chest down on this ledge. ठीक है, I'll go Superman. Go Superman. जाओ तोरा पीछे. Okay. Ready? Yeah. Yes! Oh, we're both going? No, you're going first. You're going first. Okay. Ready? I'm not going. Go, yeah. And besides the igloo, यहाँ पे मज़े करने की बहुत सारी opportunities हैं. Like you have this ramp that you can slide from, slay from and just have a great time with your friends. We need a push, ladies and gentlemen. Are we ready? Yes, yes. 1, 2, 3, go! बाहर बर्फ पड़ रही है और हम सब लोग अभी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और तंदूर के आगे बैठे हैं। और मेरे साथ यहाँ पे है ताशी भाई। हेलो। हेलो जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। और ताशी भाई से आप आके जरूर मिलना अगर वो यहाँ होए तो, इग्लू स्टे मनाली में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मुस्कुराते रहते हैं। उनकी फोटोज लेने में आपको बहुत मजा आएगा और उनसे बात करने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। विक्टर एंड ताशी भाई हैव रियली बॉन्डेड। साथ में हमारे पास यहाँ पे आकाश भी बैठा है। वी हैव मानिक, सनी सर को तो आप जानते हैं, शांतनु इज अ न्यू एंट्रेंट जो अभी तक व्लॉग में नहीं आया। वो आपको आएगा, थोड़ा सा आया था जब हम ड्रोन ड्रोन लेके आए थे। हाँ, जब ड्रोन लेके आए थे। और माइकल एंड निशान। वैसे चैलेंज था 24 घंटे के लिए बर्फ में रहना, बट जैसे जैसे शाम हुई वैसे वैसे ठंड काफ़ी बढ़ गई थी एंड इट वॉज प्रिटी डिफिकल्ट लिविंग विदाउट फायर। और आग लगते ही एकदम से सबका मूड बदल गया। ये आकाश क्या कर रहा है भाई साहब?
ओह आग लगा रहे हैं। बहुत जोर से बर्फ पड़ गई है एंड एवरीथिंग ओवर हियर इज कवर्ड इन फ्रेश पाउडर स्नो विच इज सो ब्यूटिफुल। हम लोग सुबह से बहुत मजे ले रहे हैं बर्फ के। दिस इग्लू स्टे मनाली इज लिटरली द बेस्ट प्लेस टू बी एट इफ यू वांट टू एंजॉय स्नो दिस वे। इतनी सारी बर्फ क्यों फेंकी जा रही है? बट यहाँ लिटरली कोई भीड़ नहीं है, इट्स जस्ट अस पीपल रियली रियली हैविंग अ गुड टाइम ओवर हियर। सी आज पता नहीं स्नोबोर्डिंग तो शायद नहीं होने वाली है, बट जब ही नेक्स्ट स्नोबोर्डिंग होगी आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस बिकॉज़ वी विल हैव फ्रेश पाउडर स्नो ऑल अराउंड अस। और इसी के साथ वापस जाने का टाइम हो गया। और अगर मैं सच कहूँ तो बर्फ में रहना 24 घंटे के लिए वाज एक्चुअली काइंड ऑफ फन, एंड दैट वाज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड मी एंड अनएक्सपेक्टेड स्नोस्टॉर्म एंड आल्सो जस्ट हाउ मच फन वी एंडेड अप हैविंग। इफ एनीथिंग आई एम श्योर दिस वीडियो विल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। अबाउट टू लीव ऑलरेडी पैकिंग कम विद मी आई एम नॉट रियली आस्किंग वी विल गेट अवे टू अ प्लेस वेयर वी डोंट नो About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for.